तीसरा जो काम है वो है फैम का। फैम क्या है? फैम FAM। एफ मीन्स फाइंड, ए मीन्स एड, एम मीन्स मैसेज। ये तीसरा काम है और इस तीसरे काम को आपने देने हैं 15 मिनट्स। लोगों को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में भी हम एक मज़ीद डिटेल्ड आपके साथ सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को फेसबुक पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम एक आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूं तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं या जो लोग अभी ग्रुप ज्वाइन करेंगे इन ट्रेनिंग सेशंस के साथ, तो आपने लोगों को फाइंड आउट करना है ग्रुप्स में से। ठीक है, ग्रुप्स में से कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेफिनेटली जब आप किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे और लोगों ने भी कमेंट्स किए हुए होंगे, और फिर आप उनके कमेंट्स को रीड करके उनकी प्रोफाइल्स को आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से आपको लोग मिलते हैं। और जो प्रोफाइल आपको जेन्युइन लगती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको फेक भी मिलती हैं, उनके बायोडेटा, उनके कवर फोटो से आपको पता लग जाता है कि आया ये फेक प्रोफाइल है या ये जेन्युइन प्रोफाइल है। ठीक है, सो आपने लोगों की प्रोफाइल्स को गो थ्रू करना है और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आपने उनको इनबॉक्स के अंदर मैसेज करना है, और मैसेज जो है वो आपका फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको डायरेक्टली मैसेज करें कि जी मैं फला कंपनी में काम करती हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉर जो है वो 30 लेडीज, सो आप जो है इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगी और ये और वो। नहीं, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपने फ्रेंडशिप करनी है। एक स्ट्रेंजर से आप फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड बनाने के बाद आप उसको फैमिली मेंबर बनाते हैं, और फैमिली मेंबर बनाने के बाद आप उनको अपनी बिजनेस सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं, अपना ब्रांड पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें। इसके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपने उनको मैसेज करना है, मैसेज आप कैसा करेंगे? मैसेज आप उनको करेंगे जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ये है और मैंने आपका नाम जो है, आपकी प्रोफाइल जो है वो फला ग्रुप में देखी है। जैसे स्केरी अम्मी में मैंने आपकी जो है वो प्रोफाइल देखी और आपने फला पोस्ट के ऊपर जो है ये कॉमेंट्स दिया हुआ था, सो मुझे आपका कॉमेंट अच्छा लगा और आप लगा कि आप जो है वो मेरी ही जैसी सोच की मालिक हैं, सो मैंने आपकी प्रोफाइल विज़िट की और मुझे पता लगा कि आप जो है वो कराची से या मुल्तान से या लाहौर से, जिस भी सिटी से हैं आप रहती हैं, सो मुझे लगा कि मैं आपके साथ कनेक्ट करूं और जो है वो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। सो आप क्या करती हैं या आप कैसी हैं, इस तरह से करके आपने उनको मैसेज करना है। आपने डायरेक्ट अपनी कंपनी के हवाले से बात नहीं करनी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप होगी, जितनी अच्छी आपकी दोस्ती होगी, उतना अच्छा आपका वर्क होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है। इसके ऊपर आपको अपना अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि जो है बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आपको रिप्लाई ना दें, ठीक है, लेकिन 15 मिनट्स की जो मैंने आपको कहा कि इस फैम के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, तो फैम के ऊपर वर्किंग करते हुए आपने जस्ट 15 मिनट्स देने, और 15 मिनट्स का मतलब ये है कि आप मिनिमम 10 लोगों से डेली बेसिस पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। मींस कि अगर आप डेली बेसिस पे 10 लोगों को भी मैसेज करते हैं, तो उनमें से 3, 4 या 5 लोग आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो बाकी जो लोग नहीं दे रहे, मूव फॉरवर्ड। आपने अपना दिल जो है वो छोटा नहीं करना कि जी क्यों नहीं रिप्लाई आया। समटाइम्स रिप्लाई आपको इसलिए भी नहीं आता, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो उनके मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है, और कुछ लोगों को मैसेज रिक्वेस्ट का जो फोल्डर है वो देखना नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से आपके मैसेजेस का जो है वो रिप्लाई समटाइम्स नहीं आ रहा होता या स्पैम में चला जाता है जैसे आपका मैसेज, तो इस वजह से भी लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग नहीं जाके देखते। ठीक है, और मेजॉरिटी को वैसे पता होता है, सो आपके पास रिप्लाई आ भी सकता है, और रिप्लाई आपका आपको आएगा भी तब जब आपकी अपनी प्रोफाइल भी जो है वो जेन्युइन नज़र आ रही हो। ठीक है, सो प्रोफाइल को हमने किस तरह से मेंटेन करना है उसके बारे में भी हम जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है,